हेलो, गुड इवनिंग। मैं रंजीत, बीजीएमआई इस क्लास से। बीजीएमआई इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे और इस इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन रिवर बतलाएंगे, जो कि इंडियन रिवर की कुछ क्लासें दे दी गई, जैसे माउंट पढ़ा दिए हैं और रिवर पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो रिवर में आज महानदी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग क्या पढ़ेंगे? महानदी के बारे में पढ़ेंगे, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि महानदी है क्या, तो महानदी के बारे में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे में महानदी उड़ीसा की सुख नदी है और इसके बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए हीराकुंड डैम का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, इत्यादि क्वेश्चन है। जैसे कि महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसे बोलते हैं? महानदी को बोलते हैं, इत्यादि क्वेश्चन है। चलिए हम देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान यही देना है कि एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है मैकाल पर्वत। बोलिए क्या नाम है? मैकाल पर्वत। ये जो मैकाल पर्वत है, इस मैकाल पर्वत का जो विस्तार मिलता है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये जो मैकाल पर्वत है, इसका जो विस्तार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में एक अमरकंटक है और इस अमरकंटक से आपकी नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस छत्तीसगढ़ में एक पहाड़ी है जिसके पहाड़ी के नाम है सीवा की पहाड़ी। और इस सीवा की पहाड़ी से जो नदी निकलेगी, तो इस नदी का ही नाम हो जाएगा महानदी। तो इस सीवा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलेगी? महानदी। तो चलिए हम लोग महानदी को क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, तो छत्तीसगढ़ रायपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और इस रायपुर जिला में एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है सीवा की पहाड़ी। क्या नाम है? सीवा की पहाड़ी। अब इस सीवा की पहाड़ी से एक नदी निकलेगी जिस नदी का नाम हो जाएगा महानदी। तो इस नदी का नाम है महानदी। तो महानदी जो है, इस महानदी का कुछ प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है। तो इस प्राचीन नाम में एक है कनक नंदिनी, नीलोत्पना और एक महानंदा, नीलोत्पना और थर्ड में कनक नंदिनी। तो इसकी ये प्राचीन नाम है, किसका? महानदी का। ठीक है, तो अभी आप लोग देखें कि महानदी का उद्गम कहाँ से हुआ। तो महानदी का उद्गम हुआ सीमा की पहाड़ी से और ये सीमा की पहाड़ी है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में, ठीक ना, सीमा की पहाड़ी है। अब इस सीमा की पहाड़ी से निकली तो इसकी एक प्रथम सहायक नदी है और इस नदी का नाम है दूध नदी। तो महानदी की पहली सहायक नदी क्या नाम है? दूध नदी। ठीक है, इस तरह से ये महानदी आपकी बह रही है। ठीक है, तो महानदी जब से निकलती है तब से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसके बाद एक नदी वहां पे जाके मिलती है, महानदी में एक नदी जाके मिलती है और इस नदी का नाम है शिवनाथ नदी। तो ये जो शिवनाथ नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक ना। तो ये कहाँ से आया है शिवनाथ नदी? महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र से एक नदी आई जिस नदी का नाम है शिवनाथ नदी और ये शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिएगा, तो जो शिवनाथ नदी मिलता है उस स्थान का नाम है शिवरी नारायण। क्या नाम है? शिवरी नारायण। तो छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण नामक स्थान पर
शिवनाथ नदी आकर के महानदी से मिलती है, और यहीं पर और एक नदी जाकर मिलती है जिस नदी का नाम है जोक नदी। क्या बोलिएगा? जोक नदी। तो जोक नदी और शिवनाथ नदी और महानदी, इन तीनों नदियों का संगम कहाँ हुआ? सिवरी नारायण नामक स्थान पर हुए। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सिवरी नारायण ये नाम जो है। ठीक है, जैसे ये शिवनाथ नदी आकर के महानदी मिलती है तो महानदी अपना टर्न बदल लेती है और महानदी यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर बहना प्रवाहित करती है। देखिएगा, इससे पहले देखिएगा सिल्यारी नदी, इसकी एक और यहाँ पे सहायक नदी है, सिल्यारी नदी। सिल्यारी नदी महानदी की सहायक नदी है, दूधी नदी महानदी की सहायक नदी है, जोग नदी भी महानदी की सहायक नदी है, और शिवनाथ नदी भी महानदी की सहायक नदी है। इसमें होता क्या है कि दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियाँ और उत्तर से आकर मिलने वाली नदियाँ, या तो ऐसे बोलिएगा आप लोग कि बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियाँ और दाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदियाँ, तो बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ ये सब हो गई शिवनाथ नदी और ये दूध नदी। ठीक ना, अब देखिएगा एक और नदी यहाँ पे आके मिलती है जिस नदी के नाम है मांड नदी। क्या नाम है? मांड नदी। और नीचे से भी एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है लात नदी। मांड नदी और लात नदी, तो ये दोनों जो नदियाँ हैं मांड और जो लात नदी है, ये चंद्रपुर है। क्या? चंद्रपुर नामक स्थान पर आकर के मिलती है। तो चंद्रपुर में भी तीन नदियों की संगम होती है, लात नदी, मांड नदी और महानदी। ठीक है, देखिएगा एक राजिम नामक स्थान है, राजिम, और इस राजिम में देखिएगा कि यहाँ भी तीन नदियों की संगम होती है। छत्तीसगढ़ के राजिम जिला में तीन नदियों की संगम होती है, जिसमें से एक नदी का नाम है पेरी नदी, दूसरा का नाम है सुंदुर नदी। देखिएगा पेरी नदी और सोनदुर नदी, ये दोनों नदियाँ छत्तीसगढ़ से ही निकलती है और छत्तीसगढ़ में ही जाकर के महानदी से मिल जाती है, और जहाँ पे जाके मिलती है उस जगह का क्या नाम है? राजिम। ठीक ना, तो इस तरह से अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये जो महानदी है, जब ये आगे की ओर निकलेगी तो मांड नदी के बाद और एक सहायक नदी है। क्या? इस मांड नदी के बाद और एक सहायक नदी है जिसका नाम बरोई नदी, केले नदी। क्या नाम इसका? बरोई नदी, केले नदी। बस, तो ये इसकी कुछ सहायक नदियां थी। इसमें से इधर से आके जितनी भी नदियां मिली हैं, इसको बोलिएगा बाईं ओर से आके मिलने वाली नदियां, और इधर से जो नदियां आके मिली है इसको बोलिएगा दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां। तीन तीन नदियों का संगम देख लीजिएगा, यहाँ पे एक संगम हुआ है और यहाँ पे एक संगम हुआ है और यहाँ पे एक संगम हुआ है, जो कि तीन तीन नदियों का संगम एक ही स्थान पर हुआ है। ठीक है, तो महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा किसको बोलते हैं? तो महानदी को बोलते हैं। बिल्कुल, अब इसके जरा सा आगे देखिएगा, जब इतना सारा पानी लेकर के जाएगा उड़ीसा में, ये नदी अब कहाँ जा रही है भैया? उड़ीसा में जा रही है। जब इतनी सारी नदियों के पानी उड़ीसा में लेकर के जाएगी तो जाहिर सी बात है कि उड़ीसा में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होगा ही होगा। तो महानदी उड़ीसा में बाढ़ की समस्या को उत्पन्न करती है, और बाढ़ की समस्या को उत्पन्न करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा को हम लोग क्या बोलते हैं? महानदी के डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद ये कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, अब देखिएगा तो उड़ीसा में एक जगह है जिस जगह का नाम है संबलपुर, संबलपुर, और उड़ीसा के संबलपुर में
एक डैम का निर्माण किया गया है जिस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, ये जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो उड़ीसा में बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए, बाढ़ को बचाने के लिए, बाढ़ से बचाने के लिए उड़ीसा में महानदी के ऊपर एक डैम का निर्माण किया गया है जिस डैम का नाम है हीराकुंड डैम। अब ये हीराकुंड जो डैम है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी क्वेश्चन है कि इस डैम का स्थापना किसके द्वारा किया गया और कब किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1948 ईस्वी में, देश की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 ईस्वी में इस डैम का स्थापना किया गया था, जो कि पूर्ण रूप से बन के तैयार नहीं हुआ था। जो हीराकुंड डैम है 1953 ईस्वी में बंद करके तैयार हो गया था, जबकि 1957 ईस्वी में ये काम करना प्रारंभ हो गया था, ठीक है। जो हीराकुंड डैम है तो ये जो डैम है तो इस डैम की जो लंबाई है, क्या है लंबाई है, 25.8 किलोमीटर है। तो हीराकुंड डैम की जो लंबाई है ये 25.8 किलोमीटर है। और इतना ही नहीं, इसमें और याद रखिएगा कि हीराकुंड डैम विश्व की सबसे लंबी डैम है, सबसे लंबी डैम है। तो विश्व की सबसे लंबी डैम हीराकुंड डैम किस देश में, भारत में है, किस राज्य में, उड़ीसा में है, किस जिला में, संबलपुर में है। संबलपुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब देखिएगा कि जो ये हीराकुंड डैम इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है, तो मान लीजिए कि आपकी ये हीराकुंड डैम है किस नदी पे है, महानदी पे है। पर इसका जो जल का निकासी क्षेत्र है, तो जो जल का निकासी क्षेत्र है ये 4.8 किलोमीटर है। तो ये भी पूछता है कि हीराकुंड का जल निकासी क्षेत्र कितना किलोमीटर, 4.8, जबकि हीराकुंड का कुल लंबाई कितनी है, 25.8 किलोमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें नोट में लगा लीजिएगा कि हीराकुंड डैम का निर्माण प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया था, यह भी क्या है, सही है। इसके बाद में भी क्या देखनी है कि जो हमारे हीराकुंड डैम के बारे में इतना वो जानने के बाद अब देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में इस महानदी के घाटी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के इस महानदी के घाटी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में चावल यानी कि धान का उत्पादन किया जाता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान या चावल के कटोरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो महानदी है ये जो भारत की दो राज्यों से होकर बहती है, एक का नाम है छत्तीसगढ़ और एक का नाम है उड़ीसा, क्या उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में 572 किलोमीटर जबकि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। लेकिन महानदी की जो कुल लंबाई है ये आपकी है 858 किलोमीटर। तो महानदी कुल लंबाई 858 किलोमीटर, जिसमें से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और 572 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की गंगा किसको बोलते हैं, महानदी को बोलते हैं। ये इत्यादि क्वेश्चन इसमें थे जो कि बता दिया गया है। आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ये भी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो ये डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसके डेल्टा में, तो महानदी के डेल्टा में दो बंदरगाह अवस्थित है। एक बंदरगाह का नाम है पूरी बंदरगाह, बोलिएगा पूरी बंदरगाह। और इस पूरी बंदरगाह में पूरी शहर अवस्थित है, क्या अवस्थित है, पूरी शहर अवस्थित है। और पूरी शहर में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, देखिएगा। अब एक और डेल्टा है जिस डेल्टा का नाम है, एक और डेल्टा है जिस डेल्टा का नाम है कोणार्क, कोणार्क बंदरगाह। तो कोणार्क बंदरगाह में कोणार्क शहर और कोणार्क शहर में कोणार्क का सूर्य मंदिर अवस्थित है, ठीक ना। जो कि ये तो आपसे पूछेगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में, उड़ीसा में, ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है। किस नदी के डेल्टा में है, तो महानदी के डेल्टा में है। और जगन्नाथ मंदिर किस मंदिर के डेल्टा में है,
नदी डेल्टा में है तो ये भी महानदी के डेल्टा में है, ठीक है। तो ये इनकी सहायक नदियाँ, तो इसमें ही आप लोग लिख लीजिएगा कि महानदी की उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, तो उत्तर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में दूधी नदी और शिवनाथ नदी। तो शिवनाथ नदी से क्वेश्चन निकलता है कि महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, तो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सिद्धा नदी है। ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज की इस क्लास ये महानदी के बारे में काफ़ी चीज़ बता दिए गए हैं, इसको अच्छा से देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।